बड़ी खबर। देर रात डॉक्टरों की टीम ने उनका डायलिसिस किया था। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह। बड़ी टीम इनका इलाज कर रही है मेदांता अस्पताल पर। सपा नेता लगातार जुट रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता स्वाति जुड़ चुकी है जो अभी मेदांता पे ही मौजूद है। स्वाति, अभी भी स्थिति में कोई सुधार होने की खबर नहीं सामने आ रही है। ऐसे में जितने कार्यकर्ता है मना करने के बावजूद भी वो नेताजी से इतना प्रेम करते हैं कि अब वो गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट है स्वाति? देखिए, लगातार मुलायम सिंह यादव की स्थिति नाजुक बनी हुई है और इसी वजह से जो अपील समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और साफ तौर पर आंखें नम है लोगों की। और कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि जब से सुने हैं कि नेताजी की स्थिति ठीक नहीं है, गंभीर है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, ऐसे में ये खबर सुनकर रहा नहीं गया और इसी वजह से सीधे मेदांता अस्पताल पहुंच गए हैं। और कई कार्यकर्ता तो ऐसे हैं कि दिल्ली में ही मौजूद है नेताजी को लेकर और लगातार इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब खबर निकल कर सामने आएगी कि नेताजी की तबीयत ठीक हो गई है, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया है। लेकिन जो मेदांता अस्पताल सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है, उनका डायलिसिस किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो दवाएं डॉक्टर की तरफ से दवा दी जा रही है उसका भी असर मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नहीं हो रहा है और इसी वजह से लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर मुलायम सिंह यादव है। तस्वीर एक बार दिखा देते हैं आपको मेदांता अस्पताल की, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंच सकते हैं, उनके जो परिवार के बाकी सदस्य है वो भी मेदांता अस्पताल पहुंच सकते हैं और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो रहे हैं मेदांता अस्पताल के बाहर और अब से थोड़ी देर तक यानी आज का दिन जो है वो मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों की निगरानी में है और डॉक्टर लगातार देख रहे हैं कि जो दवा उनको दी जा रही है वो असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो डायलिसिस किया गया है मुलायम सिंह यादव का उसका कितना असर हो रहा है, उसके बाद सेहत में क्या सुधार है उस पर लगातार डॉक्टरों की निगरानी है और अखिलेश यादव खुद लगातार डॉक्टरों के संपर्क में है और अब से थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंच सकते हैं। स्वाति, कल यानी 4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है और हर बार स्थापना दिवस कार्यकर्ता बड़ी ही हर्ष के साथ मनाते हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ता को इंतजार है एक अच्छे खबर की कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार की खबर है और कल उसी तरह जिस तरह से हर साल की तरह स्थापना दिवस मनाया जाता था इस बार भी मनाया जा सके। क्या कुछ इस वक्त और उम्मीदें और किस तरह से दुआएं कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के कि जल्द से जल्द जो स्थिति है उनमें सुधार आए, जो वहां पर पहुंच चुके हैं अभी मेदांता अस्पताल के बाहर? स्वाति, देखिए, जो कार्यकर्ता पहुंचे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता जो सबको जोड़ कर रखते थे और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए लोग मेदांता अस्पताल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और कल चूंकि स्थापना दिवस मनाया जाएगा लेकिन उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर दुआएं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या बाकी पार्टी के नेता हो या देश भर के लोग हो, अलग अलग जगहों से दुआएं की जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार हो। और जिस तरह से कल उन्हें सुबह 11 बजे के करीब जो है आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था उसके बाद से ही जो है दुआओं का दौर शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे जो है वो कार्यकर्ता भी पहुंचने शुरू हो गए। अभी स्थापना दिवस को लेकर अब कोई बातचीत नहीं की जा रही है क्योंकि सबकी नजर मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर टिकी हुई है कि कब जो है अच्छी खबर निकल कर सामने आए कि मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। लेकिन देखिए, आपको बताते हैं कि जिस तरह से उन्हें डायलिसिस दिया गया है और 11 बजे सुबह जब भर्ती कराया गया था तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, इसी वजह से जब डॉक्टरों ने देखा तो उसके बाद ही उन्हें आईसीयू वार्ड में। हम आपके पास वापस आएंगे स्वाति। हमारे साथ संजय चौहान इस वक्त सपा कार्यालय पर मौजूद है। संजय, लगातार जिस तरह से सबकी दुआएं और नम आंखों से दुआएं कर रहा है पूरा देश, नेताजी मुलायम सिंह धरती पुत्र और मेहनत की मिसाल,
उन्हें माना जाता है। पूरा देश चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो सभी उनकी मेहनत की मिसाल देते हैं। इस वक्त उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। किस तरह से अब पूरा समाजवादी पार्टी के साथ साथ देश दुआएं कर रहा है कि नेताजी जल्द से जल्द उनके ठीक होने की एक अच्छी खबर है, और क्या कुछ माहौल अभी कार्यालय का बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, धरती पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता, धरती पुत्र यही इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में भी बैठे हुए किसी भी गांव से निकलते थे तो उस गांव का नाम बता देते थे, और किसी भी रैली में वो पहुंचते थे तो हवा में रहते हुए ही उस रैली की संख्या बता देते थे कि कितनी संख्या लगभग होगी और यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ये जमीनी पकड़ जो नेताजी के पास है वो शायद ही बिरले नेताओं के पास देखने को मिलती है। यही वजह है कि उन्हें धरती पुत्र के नाम से भी नवाजा गया, नेताजी के नाम से भी नवाजा गया। नेताजी की जो राजनीतिक स्थितियां रही हैं, जिस तरीके से वह एक छोटे से गांव छोटे से कस्बे से निकले, एक साधारण परिवार से निकले और पूरे देश और प्रदेश की जो राजनीति का पटल है वहां पर अपना क्षितिज फहराया और खुद ही सफल नहीं हुए। तमाम बार ऐसा देखा जाता है कि आदमी खुद की सफलता के लिए परिवार गांव मोहल्ला घर जिला सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन नेताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। खुद भी सफल रहे हुए, परिवार को भी सफलता के शिखर तक लेके गए, पूरे जो गांव है उसको और पूरे क्षेत्र पूरे जनपद पूरे प्रदेश को देश के जो क्षितिज पर वहाँ पर उनका पर्चा जो है वो फहराया। तो नेताजी की जो तरीका था वो ये तरीका था कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं सबके लिए काम करते थे, सर्व समाज के लिए काम करते हैं और सब समाज को जोड़ करके काम करते हैं। जब भी वो पार्टी कार्यालय के पहुँचते थे बहुत ही कम ऐसी स्थितियाँ बनती थी कि जब कोई गंभीर मीटिंग होती थी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ तो भले वो हॉल में करें, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बात करनी है तो सीधे तौर पर खुले आसमान के नीचे, और ऐसी सर्दी हो या फिर गर्मी वो खुले आसमान की मैं कुर्सी लगा करके अपने कार्यकर्ताओं की एक एक बात सुनते थे। यही वजह है कि उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर में तेज रफ्तार